नक्कीच थोडा होईल किती होईल मला माहिती नाही, पण वंचित आघाडी हा मी काय सांगितलं, या निवडणुकीचं सूत्र असं आहे की विरोधकाच्या मताचं विभाजन टाळायचं आणि एकाच एक आम्ही उत्तर एकाच एक उमेदवार उभा करायचा. पण वंचित आघाडीने सगळ्या ठिकाणी माणसं उभी केली, काय होणार आहे त्याने? वंचित आघाडीचा पंतप्रधान होणार आहे का कोणी? आज फक्त एकच कारण की फक्त भाजपच्या विरोधामध्ये जी महाआघाडी झाली आहे त्याच्या मताची विभागणी करायचं एकमेव काम प्रकाश आंबेडकर त्यांचे सहकारी करत आहेत. आणि त्यामुळं वंचित आघाडी हे भाजपची बी टीम आहे असा जो आमचा आरोप आहे. आणखी कडक शब्दात बोलता येईल पण मला वाटतं आता योग्य नाही, आमचे मित्र आहेत ते, हे त्यांनी नरेंद्र मोदीला मदत करण्याकरताच आपली माणसं उभी केली. आम्ही त्यांच्याशी आघाडी करायचा खूप प्रयत्न केला, खूप जागा त्यांना देऊन गेले, पण त्यांची कधी इच्छा नव्हती की ते आघाडी करायची. किती मध्ये डील झाली त्यांची? मुझे कहना ठीक जगह में तो आपके अखबारों की खबर पढ़ के बोलूंगा, तो वहाँ के क्या हुआ मुझे पता नहीं. उलट सुलट चर्चा आ रही है कुछ, शायद आपने हरियाणा की कुछ सीटें मांगी थी वगैरह, ऐसे कुछ हुआ ऐसे मैंने सुना है, पढ़ा है. मैं दिल्ली में किसी से मैंने बात नहीं की, मैं इसके जवाब देना ठीक नहीं. महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या सिर्फ एक, क्या बात है कि कांग्रेस ने इस बार जो है मुस्लिम उम्मीदवारों को टोटल अवॉइड किया? क्या पार्टी नहीं चाहती कि जो है मुस्लिम उम्मीदवार हो? ये बिल्कुल सही नहीं है. हमने भाजप को तो आप ये प्रश्न नहीं पूछते, थोड़ी मत पूछिए, लेकिन हमने औरंगाबाद में मुस्लिम उम्मीदवार देने की कोशिश की थी. मतलब यहाँ पे इस एरिया में नहीं जबा, वो हमने एक जगह दिया है और उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, प्रकाश अम्बेडकर को पीछे धकेला था. और आपके बाद अकोला में हमारे जो माइनॉरिटी के कैंडिडेट है वो जीतेंगे. मैं मुझे स्वयं खुशी होती है अगर हम दो या तीन को दे सकते. नहीं सर, क्या कारण है, क्यों नहीं दिया है? माइनॉरिटी की और मुसलमानों की जो आबादी है वो 20% है, तो उस हिसाब से आपने जो है तो उनको जो है तो सियासत में नुमाइंदगी क्यों नहीं दिया? देखिए कई बार क्या होता है कि अगर डायरेक्ट चुनाव में अगर इतने के असर नहीं होते तो उम्मीदवार खुद ही पीछे हट जाते हैं. अब मैंने यह कहा कि हमने यहाँ पे माइनॉरिटी के उम्मीदवार को देने की हमने गुजारिश की थी, लेकिन जालना में दी थी, जालना में तो औरंगाबाद में देने की बात की थी, लेकिन नहीं बात बनी. आप जानते क्यों नहीं बनी? मेरे से ज्यादा अच्छा नहीं. ठीक है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है. उसकी उस प्रतिशत में देना ना देना, जैसे महिलाओं को 50% देना चाहिए वो, लेकिन नहीं होता. लेकिन मैं समझता हूँ कि आज लड़ाई जो है वो क्या मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी को दूसरे दर्जे का नागरिक का दर्जा देंगे, क्या उनको कहेंगे हर तीसरे दिन कहेंगे निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ? सवाल यह कि क्या आत्मसम्मान से माइनॉरिटी के भाई या इस देश में रहने का उसका अधिकार है कि नहीं? कांग्रेस पार्टी मानती है कि अगर हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान और जिस मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी बनी है उसको अगर कायम रखना है तो इस तरह से नरेंद्र मोदी और ये संघ के विचारों को हमको हराना पड़ेगा. संतोष भाई बात कर रहे हैं, वो कैंडिडेट को जो है